नींबू मिर्ची का ऐसा अचार जो रोटी और चावल दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसका वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मिर्ची को मैं इस तरह से कट कर लूँगी, मतलब उसके हेड में थोड़ा सा चीरा लगा लूँगी और बीच से दो दो टुकड़ा कर लूँगी और उसके टेल को भी छोटा सा कट करके निकाल लूँगी। और इस तरह से पूरी मिर्ची को मैं कट कर लूँगी। ऐसे कट करने से मिर्च में नींबू का रस अच्छी तरह से जले जाता है। अब आ गई नींबू की बारी। नींबू को बीच से दो दो टुकड़ा सबसे पहले कर लूँगी मैं। और अगर आपके पास नींबू निचोड़ने का जो आता है वो है तो उससे निकाल लें या फिर अपने हाथ से निकाल लें। मैं हाथ से ही रस निकाल लूँगी क्योंकि थोड़ा सा ही है। इस तरह से मैं सारा नींबू के रस को एक एक करके निकाल लूँगी। ये अचार को आप 3 दिन में खा सकते हैं, 24 घंटे में भी खाने के लायक हो जाती है, पर 3 दिन में इसका पूरा टेस्ट आ जाता है। सारे नींबू के रस निकल गए हैं। अब इसको मैं इस तरह से छान लूँगी ताकि इसके बीज ना रहे, अलग हो जाए। अब आ गई मिक्स करने की बारी। तो बहुत ही सिंपल है, जो हम स्पून खाने में यूज़ करते हैं उस स्पून में लगभग 3 चम्मच नमक लिया है मैंने, क्योंकि खट्टा में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालना पड़ जाता है ना इसलिए। और बहुत ही थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो गया है। अब जो मैंने मिर्च को कट करके रखा है उस सबको मैं इसमें डाल के इसको भी मिला लूँगी, इसमें डिप कर लूँगी। अब अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये देखिए, अगर हमारा मिर्च ख़त्म हो जाए और रस्सा बचे रहेगा तो इसमें फिर से मिर्च कट करके डाल देंगे और फिर से यूज़ कर लेंगे। और इसका इस नींबू के रस को हम चाट के ऊपर डालने में, दाल को में डाल के खाने में भी यूज़ कर लेंगे। 3 दिन बाद ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।